नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी मेरी चोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है। थैंक यू जी आप सभी का, जो लास्ट वीडियो में आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, गेट वेल सून, वेरी सैड। सो थैंक यू करती हूँ सभी का इस इतनी सारी प्यारी प्यारी विशेज भेजने के लिए। आज की वीडियो है जे ओपन करेंगे ये ह्यूमिडिफायर। सो जो कोरियर में इसे कास्पी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कोरिया में यूज़फुल चीज़ है। अगर हम ये नहीं यूज़ करते तो हमारे जो रूम का या हमारे घर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसके कारण हमें स्किन की प्रॉब्लम्स आती है। और जैसे मुझे एलर्जी है, एलर्जी की प्रॉब्लम आती है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये मंगवाऊँ, बट हर बार जैसे ऐसे सर्दी गुजर जाती थी। सो इस बार मैंने मंगवाया है, पहले है था छोटा सा मेरे पास, सो अभी मैंने बड़ा मंगवाया है। सो इसकी जो आकार रूप है ऐसे है। सो ये यूज़ क्यों होता है? जो हमारे कमरे की एयर होती है, यहाँ पर हीटिंग होती है, जो नीचे भी चलती है, रूम में भी हीटर वो लगा होता है, जिसके कारण जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो ड्राई हो जाता है। और आपकी जो एयर में जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू वो जर्म्स सभी नीचे गिर जाते हैं, एयर जो होती है वो फ्रेश हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है। सो इट्स वेरी वेरी यूज़फुल थिंग। सो अगर जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्नो पड़ती है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में होता है, सो उन कंट्री में ये सबसे बेस्ट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, अच्छी चीज़ है। सो आज हम इसे ओपन करते हैं, चलो फिर लेट्स स्टार्ट। तो रिक्वेस्ट है जी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हम चैनल सब्सक्राइब कर देंगे सो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। प्रेस द बेल आइकन टन, ताकि जो अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लेट्स ओपन। तो ये वाली बुक आपको मिली है और ये वाला मे बी यहाँ पानी डलेगा, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं चेक करके बताती हूँ। और ये ऊपर ला कवर और ये वाला नीचे वाला बेस, इसमें इससे आप इस जो स्पीड लो और फास्ट कर सकते हैं, जैसे यक और खंग। यक मीन्स स्लो, खंग मीन्स फास्ट। सो अच्छी शेप है, ब्यूटीफुल है। सो अभी मैं रीड करके आपको बताती हूँ क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करना है। सो एक बात और है, कोरिया में अगर आपको लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज नहीं पढ़नी आती तो आपको पिक्चर के द्वारा सभी बातें समझाई जाती है। जैसे छुई मीन्स आप ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करनी।
मैंने जो सारा था बनाकर ऐसे लगा दिया। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस गुड फॉर आवर हेल्थ। बट इसमें जो हमारे अरोमा जो होती है नहीं, जो जिससे स्मेल आती है, कई लोग वो भी इसमें डालते हैं। बट मेरे हिसाब से वो जो खुली जगह है, जैसे बड़ा घर है उसमें अगर हम डालते हैं तो तभी सारे घर में स्मेल आ जाती है। अगर आपका छोटा सा रूम है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को यूज़ मत कीजिए, बिकॉज वाटर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, गुड फॉर आवर स्किन। हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है और हमारे जो अंदर लेकर जाते हैं, हम जो सांस लेते हैं अगर हमारे अंदर भी जाता है, इट्स नॉट। बट अगर आप मतलब इस पर कोई चीज़ डालते हैं जहाँ आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जस्ट गुड फॉर स्मेल बट इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो मेरे हिसाब से आपको अकेला पानी ही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो आप वो जो अरोमा है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर गुड स्मेल। आपकी एयर को भी प्योरीफाई करता है, ठीक है। सो आपको गुड रिफ्रेश एयर करता है, प्योरीफाई करता है, और जो आपके रूम में जर्म्स कीटाणु वगैरह है वो भी नीचे गिराता है। सो ऑलमोस्ट दिस वन इज़ गुड। सो अगर आप किसी ठंडी कंट्री में रहते हैं, सो प्लीज़ यूज़ इट, इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। सो थैंक यू वेरी मच जी मेरी वीडियो को देखने के लिए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो ऐसे मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना मेरा चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। सो प्लीज़ इतनी मेहनत कर हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते नहीं, इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को वॉच किया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना था जो अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।